फ्रेंड्स, अब मैं बेसन वाली शिमला मिर्च की सब्जी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आज की मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। गैस पे हमने एक कढ़ाई ले लिया है, गैस को ऑन करेंगे, कढ़ाई अच्छे से गर्म होने देंगे। अब हम उसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच तेल। तो यहाँ पे आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल ले सकते हैं। अब हमें तेल को अच्छे से गर्म होने देना है। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम शिमला मिर्च डालेंगे। तो हमने यहाँ पे 3 शिमला मिर्च को धो के पोंछ के ऐसे पेटल शेप में काट लिया है। तो ये शिमला मिर्च बड़े पीस में काटे तो ही अच्छा होता है, क्योंकि वो जल्दी गलने लगता है। अब हम इसे तेल में छोड़ देंगे और इसे 2 से 3 मिनट तक हम इसे फ्राई करेंगे। चलाते हुए हमें फ्राई करना है। आप देख सकते हैं हमने 5 से 7 मिनट तक फ्राई किया है, तो शिमला मिर्च में ऐसे ऐसे धब्बे आ रहे हैं, यानी कि परफेक्ट फ्राई हो चुका है अपना शिमला मिर्च। अब हम एक चमची की मदद से तीरहा करते हुए इसे एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। ऐसे हम तीरहा करते हुए सभी शिमला मिर्च को निकाल लेंगे। हमने सभी शिमला मिर्च को एक प्लेट में निकाल लिया है। तेल गरम ही है और इसमें हम 2 बड़े प्याज को पेटल शेप में काट रखा है, तो इसे भी फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमें ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करना है, जस्ट एक थोड़ा सा ब्राउन कलर होगा हम इसे भी प्लेट में निकाल लेंगे। तो चलाते हुए हम इसे 2 मिनट ही भूनेंगे। तो हमने प्याज को भी 2-2.5 मिनट तक भूना है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा प्याज भून चुका है, तो इसे भी हमें एक अलग प्लेट में निकाल लेना है। जब ये प्याज कैप्सिकम बेसन वाली ग्रेवी के साथ पड़ेगा तो फिर तो इसका स्वाद कितना बढ़ेगा, आपको क्या कहें हम। तो हमने प्याज भी निकाल लिया। अब जितना तेल बचा है उसमें हम थोड़ा सा और तेल ऐड करेंगे, ज़्यादा तेल नहीं डालना है हमें। तेल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुका है तो हमने यहाँ तड़के की तैयारी किया है, जिसमें जीरा, अजवाइन, राई, सौंफ, तेजपत्ती और हींग लिया है। तो सबसे पहले हम हींग को हटा के सारे फोरन तेल में डाल देंगे और इसे चटकने देंगे। ध्यान रहे जलने नहीं देना है हमें, जस्ट इसमें चटकने की आवाज आने देना है। फोरन चटक चुका है, अब हम ये हींग डाल देंगे। हींग डाल देंगे हम और इसे भी कुछ सेकंड के लिए फोरन के साथ ऐसे भून लेंगे। फोरन चटक चुका है, अब हम इसमें एक बड़ा साइज प्याज को बारीक बारीक काट लिया है ग्रेवी के लिए, उसे डाल देंगे और चलाते हुए हम सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। 5 से 6 मिनट लगता है प्याज सॉफ्ट होने में। कोई भी सब्जी आप बनाइए मीडियम फ्लेम पे, 5 से 6 मिनट लगता है प्याज हल्का सा सॉफ्ट हो जाता है। तो हम चलाते हुए इसे सॉफ्ट कर लेंगे। प्याज हल्का सा सॉफ्ट हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज के साथ हमें इसे भी 2 मिनट तक और भून लेना है। प्याज के साथ हमने लहसुन अदरक भी भून लिया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 चम्मच यानी कि 2 बड़ा चम्मच है, छोटा चम्मच से 4 चम्मच बेसन लिए हैं।
बेसन को प्याज के साथ हमें भूनना है। तो चलाते हुए हम मीडियम फ्लेम पे इसे 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे, क्योंकि जितना अच्छा बेसन भूनेगा उतनी अच्छी अपनी ग्रेवी तैयार होगी। तो ये ध्यान रखते हुए हम बेसन को आराम से भूनेंगे। कैप्सिकम में बेसन की कढ़ी जब लगती है तो बहुत टेस्टी लगता है, तो हमें बेसन अच्छे से भूनना बहुत जरूरी है। बेसन को हमने प्याज के साथ अच्छे से भून लिया है। अगर आपको अनकंफर्टेबल लगता है तो बेसन को अलग से भी भून के डाल सकते हैं, लेकिन हम प्याज के साथ भी भूनते हैं तो बेसन की ग्रेवी अच्छी होती है। अब हम उसमें 2 टमाटर काट लिए हैं बारीक बारीक, उसे डाल देंगे और इसे भी चला लेंगे। टमाटर के साथ हम अब मसाला ऐड करेंगे। इसमें सबसे पहले हल्दी डालेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच धनिया पाउडर, छोटा चम्मच है तो हम 2-2 चम्मच डाल रहे हैं, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 स्वाद के अनुसार हम नमक डाल लेंगे। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से भूनेंगे। नमक डालने के बाद टमाटर पानी छोड़ता है, फिर तो ग्रेवी अच्छी हो जाती है। तो आप देख सकते हैं नमक डालने के बाद टमाटर अपना पानी छोड़ रहा है, और इसी पानी में हम मसाला को भूनेंगे। स्लो फ्लेम पे हम इसे 4 से 5 मिनट तक भूनेंगे। हमने बेसन को प्याज टमाटर मसाला के साथ अच्छे से भून लिया है। इसकी खुशबू बहुत सुंदर आ रही है। आप देख सकते हैं सारे प्याज टमाटर गल भी चुके हैं। अब इस स्टेज पर हम डालेंगे 1 ग्लास पानी। पानी आप अपने अंदाज से डालिए, पतली ग्रेवी चाहिए तो थोड़ा कम कर दीजिए, गाढ़ी चाहिए तो 1 ग्लास सफिशेंट है। तो हम इसे अच्छे से चला लेंगे। हमने पानी के साथ ग्रेवी को अच्छे से खोल लिया है। अब हमें इसमें उबाल आने देना है। तो आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस ऐसी ही लटपटी कैप्सिकम की सब्जी होनी चाहिए, तो हम इसमें अच्छे से उबाल आने देंगे। ग्रेवी में उबाल आ चुका है। अब हम इसमें प्याज जो फ्राई करके रखा था पेटल शेप वाला, उसे छोड़ देंगे, और साथ में ये कैप्सिकम, शिमला मिर्च जिसे हमने फ्राई कर रखा था, इसे हम अच्छे से ग्रेवी के साथ मिक्स कर लेंगे। ये सब्जी बनने के बाद बहुत ही स्वादिष्ट होती है। कभी भी शिमला मिर्च आप बड़ी बड़ी पीसेस में काटिए, क्योंकि फ्राई और ग्रेवी में पकाने के बाद ये गल जाता है। सब्जी में उबाल आने लगा। अब हम कवर करके इसे 2 से 3 मिनट पका के फिर चेक करेंगे। तो चलिए हम सब्जी को एक बार चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया अपनी ग्रेवी की थिकनेस है। शिमला मिर्च भी फ्राई होने के बाद, पकने के बाद भी पीसेस अच्छे से दिख रहे हैं। ये अपना प्याज भी अच्छे से दिख रहा है। तो बस इतना ही हमें शिमला मिर्च ग्रेवी के साथ पकाना है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला, और थोड़ा सा हम डालेंगे कसूरी मेथी जिसे हमने तवा पे भून के हथेलियों पे मैस लिया है, तो हम इसे भी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। कसूरी मेथी डालने से कोई भी सब्जी का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है, और इसमें कैप्सिकम का तो अलग ही एक स्वाद रहता है। अब हम कवर करके हो चुके इसे हैं, चलिए 2 से 3 मिनट सर्व पका करते के फिर हैं। चेक करेंगे। आप ध्यान से देखिए कितनी बढ़िया कलर आया है। तो हम इसे एक कढ़ाही में सर्व करेंगे।
बेसन और शिमला मिर्च की ग्रेवी वाली सब्जी बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया ये सब्जी बनाना कितना आसान है। इसे आप पूरी, पराठा, रोटी, चपाती के साथ खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी की जोड़ नहीं है, इसे आप जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखना मत भूलिए। धन्यवाद।